स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज क्लास बारह के भौतिक विज्ञान अभ्यास तीन अभ्यास का नाम वैद्युत धारा में आज जो है अभ्यास के प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर एक से लेकर के प्रश्न नंबर छः तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं इस भाग में प्रश्न नंबर सात से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते जरूर चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर सात है सिल्वर के किसी तार का 27.5 दशमलव डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध दो दशमलव एक ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांग ज्ञात कीजिए तो इस क्वेश्चन में जो है मान जो दिया गया है पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद से इसका फार्मूला पता करेंगे और फार्मूला में इसका मान रख देंगे आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे जो दिया गया है सत्ताईस दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस ताप है पहला ताप है तो इसे लिखेंगे यहाँ पर टी वन क्या लिखेंगे T1 वन बराबर तो यहाँ लिख लेंगे T1 वन और T1 वन का मान मतलब पहला ताप का मान क्या है तो पहला ताप का मान दिया गया सत्ताईस दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस ये किसका मान है तो यह T1 वन का मान है और यहाँ प्रतिरोध जो दिया गया है दो दशमलव एक ओम तो इसको कहेंगे R1 वन पहला प्रतिरोध है तो R1 वन बराबर हो जाएगा दो दशमलव एक ओम दो मान क्लियर हो गया अब तीसरा मान जो है इसको लिखेंगे टी टू मतलब दूसरा ताप कितना है सौ डिग्री सेल्सियस और यहाँ लिख लेंगे आर टू तो आर टू बराबर लिख लेंगे दो दशमलव इतना मान जो नोट करने के बाद से प्रतिरोध ताप गुणांक किससे प्रदर्शित करते हैं अल्फा से अल्फा बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा मतलब इसमें प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना करना है अब प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र क्या होता है तो यहाँ लिख लेंगे सूत्र बताया जा चुका है अगर सूत्र नहीं जानते हैं तो अभ्यास में बताया गया है सूत्र लिख लेंगे वी नो डैट हम जानते हैं कि अल्फा बराबर होता है आर टू माइनस आर वन बटा यहाँ लिखेंगे आर वन डेल टी यह फार्मूला है किसका है तो इसका नाम क्या है तो प्रतिरोध ताप गुणांक तो यह फार्मूला में अब मान को रख लेंगे यहाँ पे R2 का मान यहाँ R1 का मान यहाँ R1 का मान यहाँ डेल टी अब यहाँ डेल टी का मान नहीं दिया गया है तो अब यहाँ डेल्टी को बदलना पड़ेगा तो डेल टी का फार्मूला क्या होता है तो डेल्टी का फार्मूला होता है टी टू माइनस क्या होता है टी वन होता है अब यहाँ पे जो है इसको घेर देंगे बाक्स में ये किसका मान निकाल दिए डेल टी का तो T का सूत्र क्या है टी टू माइनस टी वन तो अब अगला लाइन जो सूत्र बनेगा अल्फा बराबर होगा आर टू माइनस आर वन बटा और यहां लिखेंगे अब यहाँ पे जो मान रख लेंगे डेल टी को हटा देंगे और उसके जगह क्या लिखेंगे टी टू माइनस टी वन अब इसमें मान को रख लेंगे मान रखने के बाद इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे अब अल्फा बराबर आर टू आर टू का मान क्या दिया गया था तो आर टू का मान है दो दशमलव सात है क्या है दो दशमलव सात यह मान को देख लीजिए यहाँ पे आर टू का मान क्या है दो दशमलव सात माइनस आर वन का मान है आर वन का मान जो दिया गया है दो दशमलव एक है यहाँ आर वन का मान हो गया बटा अब यहाँ आर वन का मान रखेंगे दो दशमलव एक और टी टू टी टू कितना है सौ डिग्री है सौ माइनस टी वन टी वन कितना है सत्ताईस दशमलव पाँच है अब इसको सॉल्व कर लेंगे अब इस मतलब ऊपर जो है घटा देंगे दो दशमलव सात में से दो दशमलव एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो यह मान आ जाएगा जीरो दशमलव छः हो जाएगा बटा हो गया और यहाँ लिखेंगे दो एक हो जाएगा और इसको जब घटाएंगे सौ में से सत्ताईस दशमलव पाँच को घटा देंगे तो यह क्या बन जाएगा बहत्तर दशमलव पाँच हो जाएगा अब यहाँ पे एक, एक स्थान दशमलव है और यह भी जो है एक स्थान पे है तो जब दशमलव बराबर हो तो दशमलव को हटा देते हैं तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा छः बटा इक्कीस गुड़े बहत्तर दसमलव पाँच हो जाएगा अब इसमें जो है गुड़ा कर लेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा छ बटा और इक्कीस में जब बहत्तर दशमलव पाँच का गुड़ा करेंगे तो एक हजार पाँच सौ बाईस दशमलव पाँच आ जाएगा अब एक हजार पाँच सौ बाईस दशमलव पाँच से छः में जब भाग करेंगे तो भाग देने पर क्या आएगा जीरो 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 तीन नौ प्रति डिग्री सेल्सियस यह किसका मान निकल गया तो यह मान जो निकल गया प्रतिरोधकता पर, ताप गुणांक का मान निकल गया यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे आपको यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर आठ तो क्वेश्चन नंबर आठ है निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट बोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और दो दशमलव दो एम्पियर के प्रारंभिक धारा लेता है जो कुछ सेकंड में दो दशमलव आठ एम्पियर पर अस्थाई हो जाती है यदि कमरे का ताप सत्ताईस डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का अस्थाई ताप क्या होगा दिए गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणा एक दशमलव सात जीरो गुणे दस के पावर माइनस चार प्रति जो है सेल्सियस है अब इनवर्स है तो यहाँ सेल्सियस का इनवर्स कहा जाएगा तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा क्वेश्चन पढ़ने पर जो मान दिया गया है पहले इसको नोट किया जाएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन में देखा जाएगा क्या पूछा जा रहा है तो पहले मान जो दिया गया है दो सौ तीस वोल्ट दिया गया है तो यहां पर दो प्रतिरोध के लिए निकालना पड़ेगा पहले प्रतिरोध में जो है दो सौ तीस वोल्ट है और दूसरे जो प्रतिरोध में जो मान दिया गया है तो दूसरे प्रतिरोध में जो भी है इसमें वोल्टेज क्या रहेगा 230 वोल्टेज ही सप्लाई में संयोजित होगा तो यहां पहले लिखेंगे पहले प्रतिरोध में पहले यहां हल लिख लेंगे और हल लिखने के बाद से लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए पहले प्रतिरोध हैं के लिए अब यहां पहले प्रतिरोध के लिए जब निकालेंगे तो इसमें जो देखेंगे सप्लाई वोल्टेज क्या है यहां लिखेंगे सप्लाई सप्लाई वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट है यहाँ लिख लेंगे तीस दो सौ तीस बोल्ट इसमें कितना धारा भरा है प्रारंभिक धारा क्या है प्रारंभिक धारा जो लिखेंगे इसमें कितना दिया गया है तो प्रारंभिक धारा जो है तीन दसमलव दो एम्पियर है तीन दसमलव दो एम्पियर अब यहाँ सप्लाई वोल्टेज दो सौ तीस बोल्ट है और प्रारंभिक धारा जो है तीन, तीन दसमलव दो एम्पियर है अब यहाँ आर वन निकालेंगे आर वन मतलब पहला प्रतिरोध तो आर वन का सूत्र क्या होता है तो वोल्टेज बटा क्या होता है धारा होता है तो यहाँ लिख लेंगे वोल्टेज बटा धारा वोल्टेज बटा क्या होता है धारा हो जाएगा तो यहाँ वोल्टेज कितना है तो वोल्टेज जो है आर वन बराबर हो जाएगा दो सौ तीस बटा हो जाएगा और धारा कितना है तो तीन दशमलव दो है यहाँ तीन दशमलव दो लिख लेंगे अब तीन दशमलव दो से जो है इसमें भाग करेंगे दो सौ तीस में तो भाग देने पे कितना आएगा तो भाग देने पे जो आएगा इकहत्तर दशमलव आठ सात पाँच ओम आ जाएगा यह पहला जो है प्रतिरोध का मान निकल गया अब इसी प्रकार जो है पहले प्रतिरोध के लिए गणना किए हैं अब लिखेंगे यहाँ पे दूसरे प्रतिरोध के लिए दूसरे प्रतिरोध के लिए के लिए तो दूसरे प्रतिरोध के लिए अब क्या होगा तो यह आर वन था तो अब इसमें जो है सप्लाई वोल्टेज इसमें कितना था 230 था तो अब इसमें सप्लाई वोल्टेज क्या है इसमें भी जो है सप्लाई जो वोल्टेज है 230 ही है सप्लाई वोल्टेज कितना है 230 है अब यहाँ पे जो है धारा जो है बदल गया है अब यहाँ अस्थाई धारा अस्थाई धारा क्या है तो अस्थाई धारा इसमें जो दिया गया है अस्थाई धारा तीन दशमलव दो एम्पियर है यहां देख लीजिए अस्थाई धारा क्या था अस्थाई धारा जिसमें क्या हो जा रहा है दो दशमलव आठ इसमें है पहले वाले में क्या था तीन दशमलव दो एम्पियर था तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे धारा लिख लेंगे दो दशमलव आठ दो दशमलव आठ एम्पियर पहले वाले में क्या था तो तीन दशमलव दो था और दूसरे वाले में क्या है दो दशमलव आठ एम्पियर है अब यहाँ लिखेंगे आर टू अब आर टू का सूत्र क्या है जैसे इसमें ऊपर लिखे हैं आर वन का सूत्र इसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे वोल्टेज बटा क्या होगा वोल्टेज बटा धारा होगा अब यहाँ वोल्टेज कितना है यहाँ वोल्टेज जो दिया गया है तो अब लिखेंगे यहाँ पर R2 बराबर वोल्टेज कितना है 230 है धारा कितना है तो दो दशमलव आठ है अब यहाँ दो दशमलव आठ से अब दो सौ तीस में जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा तो आर टू बराबर आ जाएगा बयासी दशमलव एक चार तीन ओम आ जाएगा यह किसका मान निकल जाएगा आर टू का मान जो है निकल जाएगा बयासी दशमलव एक चार तीन अब इसमें जो मान दिया है अब देखेंगे अल्फा का मान क्या है तो यहाँ अल्फा का मान नोट कर लेंगे और कमरे का ताप तो कमरे का ताप जो है सत्ताईस डिग्री सेल्सियस है मतलब T1 का मान जो दिया गया है अवयों का अस्थाई ताप क्या होगा मतलब T2 इसमें पूछा जा रहा है और इसमें ताप गुणांक अल्फा का मान भी दे दिया गया है तो इसके बाद से यहाँ नोट करेंगे कर R1 निकल चुका R2 निकल चुका और यहाँ लिखेंगे T1 टी वन बराबर क्या है सत्ताईस डिग्री सेल्सियस है और टी टू बराबर जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रश्नवाचक हो जाएगा और अल्फा का मान जो है इसमें दे चुका गया है अल्फा का मान क्या है एक दशमलव क्या है सात जीरो गुड़े दस के पावर माइनस चार है और स, जो है सेल्सियस का इनवर्स है ये किसका मान है तो यह अल्फा का मान है अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे तो अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है यदि प्रश्न नंबर सात में भी बताया गया है अल्फा बराबर होता है आर टू माइनस आर वन होता है बटा होता है आर वन होता है कोष्टक में क्या होता है टी टू माइनस टी वन होता है अब इसी फार्मूला से जो है यह टी टू का मान को गणना करेंगे अब यह टी टू माइनस टी वन जो है अल्फा के पास भेज दीजिए और अल्फा को नीचे भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पर टी टू माइनस टी वन बराबर हो जाएगा यहाँ लिखेंगे आर टू माइनस आर वन बटा और नीचे क्या है अल्फा आ जाएगा तो क्या लिखेंगे आर वन अल्फा हो जाएगा अब इसमें मान को रख लेंगे अब यहाँ लिखेंगे टी टू माइनस टी वन टी वन कितना है तो टी वन का मान जो है सत्ताईस डिग्री सेल्सियस है बराबर आ टू कितना है आ टू का मान क्या था बयासी दसमलव एक चार तीन माइनस आर वन का मान क्या था इकहत्तर दसमलव आठ सात पाँच बटा जाएंगे और यहाँ पे जो है आर वन का मान पुनः रखेंगे तो आर वन का मान क्या रखेंगे इकहत्तर दसमलव आठ सात पाँच गुड़े अल्फा का मान क्या है एक दसमलव सात जीरो गुड़े दस के पावर माइनस चार माइनस चार हो जाएगा अब इसको जो है इसमें से इसको घटा देंगे और इसको जो है इसमें गुड़ा करके भाग दे देंगे भाग देने पे कितना आ जाएगा तो अब अगला लाइन लिख लेंगे यहाँ पर टी वन माइनस सत्ताईस बराबर हो जाएगा और घटा करके और भाग देने पे जो आंसर आएगा आठ सौ चालीस तीन पाँच आ जाएगा तो यह जो है आपसे विद्यार्थी घटा लीजिएगा और नीचे जो है हर में गुड़ा करके भाग दे दीजिएगा देने के बाद से जो आंसर आएगा आठ सौ चालीस दसमलव तीन पाँच सत्ताईस को पचानतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर टी वन बरा टी वन नहीं रहेगा यहाँ टी टू रहेगा अब टी टू बराबर क्या हो जाएगा तो आठ सौ चालीस तीन पाँच में प्लस जो है सत्ताईस ये माइनस सत्ताईस है जब पछांतर कर लेंगे तो ये प्लस सत्ताईस हो जाएगा अब ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे जोड़ने के बाद टी टू बराबर क्या हो जाएगा तो टी टू बराबर जो है आठ सौ सड़सठ दसमलव तीन पाँच डिग्री क्या हो जाएगा सेल्सियस हो जाएगा यह जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो समझ में आ गया होगा आंसर कैसे इसको हल किया गया सबसे पहले चित्र को आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए अच्छे से और चित्र को जब समझ लेंगे तो क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो जाएगा तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर नौ तो प्रश्न नंबर नौ में जो है क्वेश्चन है चित्र तीन दशमलव तीस में दर्शाए नेटवर्क के प्रत्येक शाखा में प्रवाही धारा ज्ञात कीजिए मतलब इसके अंदर जो है प्रवाही धारा की गणना करना है तो सबसे पहले जानकारी रखेंगे कि यह जो है ए जो बिंदु है यहाँ पे धारा जो है I1 है क्या है I1 होता है और यहां क्या होता है I2 होता है और यहां जो होगा होगा I3 मतलब यह जो है तार द्वारा I3 है और यहां जो होगा याद रखेंगे आपका I1 वन माइनस आई और यहां जो होगा I2 प्लस जो है I2 प्लस क्या है I3 होगा तो पहले यहाँ पे I1 I2 और यहाँ ऊपर लिखेंगे I1 वन माइनस और नीचे लिखेंगे I2 टू प्लस आई थ्री यहाँ पे नोट कर लेंगे यह संधि का नियम है संधि के नियम की सहायता से यह लिखा गया है तो अब यहाँ पे क्रमशः जो है देखेंगे पास जो है इसमें पास क्या क्या है पहला का नाम है A, B और D ए यह आधा पहले जानकारी रखेंगे आधा जो इसमें पास क्या है और इधर का जो पास का नाम क्या है बी सी डी बी यह दो पास बना हुआ है पहले दो पास के बारे में अध्ययन कर लेंगे उसके बाद से पूरा लेके चलेंगे पूरा मतलब ए बी सी और यह जो है जी है क्या है जी और यह क्या है यच यह पूरा और यच ए हो जाएगा तो यह पूरा जो है पास हो जाएगा तो अब यहाँ पे जो है पहले हम आधा लेके चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहला पास का नाम क्या है तो लिखेंगे पास पास का नाम क्या है तो ए है और उसके बाद से बी ए बी डी ए यहाँ लिखेंगे डी ए में कौन से पास लेके चल रहे हैं ए बी डी ए में अब बहुत आसान है बस थोड़ा सा ध्यान देंगे ये जो आई वन है ये धारा सीधा है मतलब विपरीत दिशा नहीं है मतलब जो है सीधा मतलब दस जो ओम है उसमें बहने वाली धारा जो है आई वन है तो यहाँ क्या लिखेंगे दस आई वन आई वन है अब यहाँ पे आएंगे यह जो धारा देखेंगे ये क्या है यहाँ पे जो है आई आई थ्री जो है जो है, है। पाँच ओम में है तो यहाँ पर भी धारा जो है सीधा है मतलब तो यहाँ लिखेंगे प्लस पाँच आई थ्री हो जाएगा मतलब ऐसे जाकर के अब ऐसे आ गए अब यहाँ देखेंगे धारा देखिए विपरीत है यह आई टू जो है विपरीत है तो जब विपरीत है मतलब पाँच यहाँ से जाएंगे ए बी से बीस हम यहाँ पे T आए डी से यहाँ देखेंगे तो धारा विपरीत है तो जब विपरीत है तो क्या होगा विपरीत है इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पाँच जो है I2 हो जाएगा क्या बनेगा पाँच आई टू बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो समझ में आ गया होगा कि यह कैसे बना एक बार और समझेंगे दस आई वन मतलब यह धारा देखिए मतलब समान है सीधा है मतलब और यह जो है आई थ्री जो है पाँच ओम है और यहाँ आकर के यह विपरीत तो हो जा रहा है धारा जो चिन्ह देखिए धारा जो है विपरीत चिन्ह हो इसलिए माइनस हो गया अब इसमें से पाँच को काम ले सकते हैं पाँच काम लेंगे तो अंदर क्या बचेगा दो बचेगा आई वन हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे आई थ्री हो जाएगा माइनस हो जाएगा आई टू हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये पाँच को कहाँ भेज सकते हैं जीरो के पास भेज सकते हैं तो ये पाँच क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा पाँच सुनिए यहाँ सुन्ना हो जाएगा मैं पाँच से जब भाग करेंगे सुन्ना में तो सुन्ना हो जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर दो आई वन माइनस आई टू प्लस क्या लिख सकते हैं आई थ्री बराबर क्या होगा जीरो हो जाएगा और यह बन जाएगा समीकरण नंबर एक तो समीकरण एक जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि आधा जो है पास का हल हो चुका है अब आधा पास का नाम इधर का नाम क्या है तो लिखेंगे पास पास का क्या नाम है बी क्या नाम है बी है बी के बाद से क्या है सी तो बी सी डी और क्या है बी अब यहाँ जो है में कौन से पास में प्रयोग करने चल रहे हैं पास बी सी डी भी में प्रयोग करेंगे तो अब यहाँ देखेंगे यह क्या है पाँच जो है पाँच जो है ओम जो है धारा जो देखेंगे समान है मतलब सीधा है मतलब इसमें विपरीत दिशा में नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे पाँच और धारा क्या है आई वन माइनस आई थ्री है तो लिखेंगे आई वन माइनस आई थ्री हो जाएगा अब यहाँ आएंगे अब यहाँ देखेंगे धारा तो विपरीत है क्योंकि अब यहाँ सी के जब देखेंगे तो यह धारा ऊपर की तरफ जा रहा है और हमको इधर आना है तो क्या लिखेंगे माइनस दस क्या लिखेंगे दस कोष्टक में क्या लिखेंगे आई टू आई टू प्लस आई थ्री और यहाँ धारा देखेंगे यह भी धारा जो है विपरीत है क्योंकि बी से हम कहाँ हैं सी सी से कहाँ हैं डी और डी से जब हम यहाँ बी पे जाएंगे तो यह धारा जो है क्या है विपरीत है मतलब इधर जाना चाहिए तो यह इधर आ रहा है इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस पाँच आई थ्री बराबर क्या होगा जीरो हो जाएगा तो यह किरचाप के प्रथम नियम से लिखा जा रहा है तो अब यहाँ पे लिखेंगे पाँच से अंदर गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा पाँच आई वन माइनस पाँच आई थ्री माइनस दस आई टू माइ माँण, माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस दस आई थ्री माइनस पाँच आई थ्री बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब यहाँ लिखेंगे कि पाँच आई वन है तो अब यहाँ पे पाँच आई वन और देखेंगे आई वन और कहीं है तो नहीं है तो यहाँ लिखेंगे पाँच आई वन और यहाँ देखेंगे दस आई टू है क्या है दस आई टू तो माइनस दस क्या लिखेंगे आई टू लिख लेंगे तो समझ में आ रहा होगा अब यहाँ देखेंगे कि माइनस पाँच और माइनस दस और माइनस पाँच मिल करके क्या हो जाएगा माइनस पंद्रह माइनस पाँच माइनस दस माइनस पाँच मिलकर के माइनस बीस माइनस बीस क्या हो जाएगा आई थ्री बराबर क्या हो गया जीरो हो जाएगा तो यह लाइन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा इसमें से भी पाँच जब कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा तो यहाँ बचेगा आई वन माइनस पादुनी दस दस आई टू पाँचों को बीस चार आई थ्री बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा पाँच को नीचे भेज देंगे तो आई वन माइनस दो आई टू माइनस चार आई थ्री बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो बटा पाँच मतलब जीरो अब यह बन जाएगा समीकरण नंबर दो तो समीकरण दो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा अब हम लोग पूरा पास जो पूरा जो है अब परिपथ में चलेंगे तो पूरा परिपथ का नाम क्या है ए बी सी जी एच ए ये पूरा परिपथ है तो अब यहाँ लिखेंगे ए कहाँ चलेंगे ए से बी बी से सी सी से कहाँ जाएंगे जी जी से कहाँ जाएंगे यच और यच से ए में मतलब ए बी सी जी एच ए में अब यहाँ से कर्मश जो है नोट करेंगे तो पहले एक बार और चित्र में देखेंगे पहले यहाँ क्या है दस जो है आई जो है आई वन है यह जो है धारा जो है सीधा रूप में है तो यहाँ क्या लिखेंगे दस आई वन क्या हो जाएगा दस आई वन हो जाएगा अब इसके बाद से देखेंगे ए से हम कहाँ पहुँच गए बी पहुँच गए अब बी से कहाँ जाएंगे सी तो इसकी भी धारा जो है सीधा रूप मतलब सीधा मार्ग में है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस प्लस हो जाएगा अब प्लस लिख करके पाँच आई वन माइनस आई थ्री हो जाएगा अब सी से आएंगे अब सी से देखेंगे सी से जब हम यहाँ डी पे आएंगे ए, सी से कहाँ आएंगे यहाँ जी पे आएंगे सी से कहाँ आएंगे जी पे आएंगे और जी पे देखेंगे यहाँ तो दस बोल्ट है और यहाँ जो है दस जो है क्या है दस ओम है और यहाँ पे इसमें धारा नहीं है तो यहाँ धारा क्या लिख लेंगे आई लिख लेंगे धारा क्या है आई है तो यहाँ जी पे जी के साथ आकर के फिर ए पर आ जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और क्या हो जाएगा दस दस क्या होगा आई हो जाएगा क्योंकि धारा जो है ऐसे आ रहा है और धारा ऐसे जा करके ऊपर की तरफ आ रहा है तो धारा जो है ये भी जो है किस दिशा में है समान दिशा में है और कितने के बराबर होगा तो यहाँ जो दिया गया है दस बोल्ट अब यह दस बोल्ट के बराबर हो जाएगा पहले यह जीरो के बराबर था ऊपर भी समीकरण एक में भी जीरो के बराबर था और इसमें दस के बराबर क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है और इसमें जो है वोल्टेज का मान वहाँ पर दिया नहीं गया था तो दस के बराबर होने के बाद से अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे दस आई वन प्लस पाँच में गुणा करेंगे तो पाँच आई वन माइनस पाँच आई थ्री प्लस दस आई बराबर क्या होगा दस हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे अब यहाँ आई का मान क्या होगा तो यहाँ आई का मान आपको याद रखना पड़ेगा कि बिंदु ए पर संध की अगर नियम से देखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं बिंदु यहाँ लिखना चाहे तो लिख देंगे बिंदु ए पर ए पर क्या लिखेंगे बिंदु ए पर संध के नियम से किसके नियम से संध के नियम से तो यहाँ लिखेंगे संध के नियम से तो संध के नियम से क्या होगा तो आई कितने के बराबर होगा तो आई जो है किसके बराबर होगा आई वन और आई टू आई वन प्लस आई टू के बराबर हो जाएगा क्या होगा I1 वन प्लस आई के क्या हो जाएगा बराबर होगा कि अब यह संधि के नियम से अगर चलेंगे तो यह I जो है I1 वन प्लस आई के योग के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा अब यहाँ जो है I1 वन प्लस आई इसके जगह पे रख लेंगे तो क्या बनेगा दस I1 वन प्लस पाँच आई वन माइनस पाँच आई थ्री प्लस दस अब आई को हटा देंगे उसके स्थान पे क्या लिखेंगे आई वन प्लस आई टू बराबर क्या हो जाएगा दस हो जाएगा अब इसको सॉल्व करेंगे तो दस आई वन और यह जो है दस आई वन होने के बाद से प्लस यह क्या है पाँच आई वन है माइनस पाँच आई थ्री है अब अंदर जो है दस से क्या करेंगे गुड़ा कर लेंगे तो दस से जब गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा दस आई वन हो जाएगा प्लस दस आई टू हो जाएगा बराबर क्या होगा दस हो जाएगा अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना होगा दस और पाँच मिलेगा क्या होगा पंद्रह पंद्रह और दस जोड़ेंगे तो पच्चीस क्या बन गया पच्चीस आई हो जाएगा अब यहाँ पच्चीस आई होने के बाद से अब यहाँ पे आई पा पच्चीस आई वन कैसे हुआ दस आई वन पाँच आई वन और दस आई वन मिल के क्या हो जाएगा पच्चीस अब आई टू देखेंगे कितना है तो आई टू जो है प्लस दस आई टू है दस आई टू हो जाएगा और आई थ्री कितना है तो आई आई थ्री जो है पाँच आई थ्री है बराबर क्या होगा दस हो जाएगा अब इसमें से कामन क्या लेंगे तो इसमें से कामन जो है पाँच को ले लेंगे पाँच कामन हो जाएगा जब पाँच कामन हो जाएगा तो क्या बचेगा तो पाँच पचे पच्चीस पचीस आई वन प्लस पाँच दूनी दस आई टू माइनस आई क्या हो जाएगा थ्री बराबर क्या हो गया दस हो जाएगा अब ये दस कहाँ जाएगा तो पाँच कहाँ जाएगा तो पाँच जो है दस के नीचे भेज देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर पाँच आई वन प्लस दो आई टू माइनस आई थ्री बराबर दस बटा पाँच पाँदूनी दस दो बार में आ गया अब यहाँ क्या हो जाएगा पाँच आई वन प्लस दो आई टू माइनस आई थ्री बराबर पांदूनी दस दो बार में गया है अब यह बन जाएगा समीकरण नंबर तीन अब ये तीन समीकरण की सहायता से याद रखेंगे पहला समीकरण दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण के सहायता से इसको क्या करेंगे हल करेंगे तो यहां देखेंगे समीकरण जो चार ध्यान देंगे समीकरण चार और समीकरण एक को जब ध्यान देंगे तो क्या है समीकरण चार को समीकरण तीन ध्यान दीजिए समीकरण तीन और समीकरण जो है चार को ध्यान देंगे तो यहाँ पर आई थ्री जो है, है माइनस में है और समीकरण एक में देखेंगे आई थ्री जो है प्लस में है तो अब क्या कर लेंगे समीकरण एक और समीकरण दो तीन को जोड़ लेंगे जोड़ करके इसको सॉल्व करना है तो अब धीरे धीरे आप लोग अच्छे से समझिए जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत आसान है तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण तीन को क्या करने चल रहे हैं जोड़ने पर समीकरण तीन को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे अब यहाँ समीकरण ए को पहले नोट करेंगे और उसके बाद से समीकरण तीन को नोट करेंगे तो समीकरण ए क्या है दो आई वन था माइनस है आई टू है और उसके बाद से क्या है माइनस क्या है प्लस क्या है आई थ्री है बराबर जीरो है ये समीकरण नंबर कौन सा है ये समीकरण नंबर जो है एक है और नीचे समीकरण तीन को लिखेंगे तो क्या है पाँच आई वन प्लस दो आई टू माइनस आई थ्री बराबर क्या होगा दो हो जाएगा जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा पहले आई थ्री से आई थ्री को काट देंगे पाँच दो मिलेगा तो क्या बनेगा सात आई वन हो जाएगा और दो आई टू में से एक आई टू को घटा देंगे तो एक आई टू बच जाएगा बराबर हो जाएगा और उसके बाद से दो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा दो हो जाएगा तो यह एक और समीकरण बन गया इस समीकरण नाम का होगा समीकरण नंबर चार हो जाएगा तो समीकरण चार क्या आ गया सात आई वन प्लस आई टू बराबर दो ये समीकरण नंबर चार अब जो है समीकरण एक और समीकरण तीन का जो है प्रयोग हो चुका है अब दो और तीन को ध्यान देंगे अब यह आई थ्री है यहाँ देख लेंगे समीकरण नंबर तीन में क्या है आई थ्री है आई थ्री है, आई थ्री है? और समीकरण दो में देखेंगे क्या है तो समीकरण दो में देखेंगे यह जो है चार आई थ्री है इसका मतलब ये चार है और वह क्या है आई थ्री है केवल तो चार से जो है समीकरण तीन में गुणा कर लेंगे जब गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा आज जब बराबर हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे ए माइनस है और वो भी जो है ऊपर में क्या है माइनस है तो जब समान चिन्ह है तो समान चिन्ह में क्या करते हैं घटाते हैं तो अब यहाँ लिखेंगे तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण तीन में किसे गुड़ा करेंगे चार से गुड़ा करके गुड़ा करके समीकरण दो से घटाने पर समीकरण दो को क्या करेंगे घटाने पर घटाने पर तो अब जो है समीकरण जो है तीन में जो है किसे गुड़ा करेंगे चार से गुड़ा करके समीकरण दो को क्या करेंगे घटाएंगे तो समीकरण तीन क्या था पाँच आई था तो पाँचों को क्या हो जाएगा बीस आई वन हो जाएगा दो आई टू था तो दो में चार का गुड़ा करेंगे तो आठ आई टू हो जाएगा माइनस जो है क्या हो जाएगा चार आई थ्री हो जाएगा बराबर दो था तो दो में चार का गुड़ा करेंगे तो क्या बन जाएगा आठ हो जाएगा और समीकरण दो जो है क्या था तो समीकरण दो जो है आई वन है क्या है आई वन माइनस दो आई टू माइनस चार आई थ्री बराबर क्या है जीरो है अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा माइनस या प्लस या प्लस या माइनस अब क्या कर जाएगा तो चार आई थ्री से चार आई थ्री कट जाएगा कटने के बाद से क्या बचेगा बीस में से बीस आई वन में से एक आई वन घटा देंगे तो क्या बनेगा उन्नीस आई वन और आठ तो क्या हो जाएगा प्लस दस आई टू बराबर क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा तो यह बन गया समीका नंबर पाँच अब समीकरण जो है बनाने की जरूरत नहीं है अब जो है समीकरण चार को देखेंगे और समीकरण पांच को देखेंगे यह आई टू है और यह क्या है दस आई टू है यह सात है और यह क्या है उन्नीस है बराबर है नहीं तो यहाँ पे अगर दस से जब इसमें गुड़ा कर दें तो यह आई टू का मान और यह आई टू का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे समीकरण चार में समीकरण चार में कितने से गुणा कर दें दस से गुड़ा करके गुड़ा करके समीकरण पांच को क्या कर देंगे घटाने पर समीकरण पांच को घटाने पर तो दस से गुड़ा करेंगे तो दस में सात का कर गुड़ा करेंगे तो क्या होगा सत्तर आई वन प्लस दस में गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा दस आई टू और दस में दो का गुड़ा करेंगे तो बीस और यहाँ क्या होगा उन्नीस आई वन प्लस दस आई टू बराबर क्या होगा आठ हो जाएगा घटा लेंगे घटाएंगे तो माइनस 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 हो जाएगा तो अब यहाँ घटाएंगे तो सत्तर में से जब उन्नीस घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा इक्यावन आई वन बराबर बीस में से आठ जाएगा तो बारह तो आई वन बराबर क्या आ जाएगा बारह बटा इक्यावन अब इसको चार से जब इसको भाग कर देंगे तो चार अ, तीन से भाग करेंगे तीन से तीन से बारह भी कट जाएगा और तीन से जो है इक्यावन भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आई वन बराबर तीन चौ को बारह और तीन से जब इक्यावन को काटेंगे तो सत्रह तिया इक्यावन मतलब सत्रह बारह में भाग जाएगा तो यहाँ जो मान निकला है आई वन का मान क्या गया चार बटा सत्रह जो है मान निकल गया अब आई वन का मान जो है समीकरण चार में रख सकते हैं या समीकरण पांच में रख देंगे तो किस का मान निकल जाएगा आई टू का मान निकल जाएगा तो यहाँ लिखेंगे आई वन बराबर चार बटा जो सत्रह निकला है का मान समीकरण चार में रखने पर किस में रखेंगे समीकरण चार में रखने पर अब यहाँ समीकरण चार में जो है मान को रखनेंगे तो रखने पर तो समीकरण चार क्या था तो समीकरण चार है सात आई वन था प्लस आई टू था बराबर क्या था दो था तो अब सात हो जाएगा आई वन का मान क्या रखेंगे चार बटा क्या रखेंगे चार बटा सत्रह प्लस आई टू बराबर दो सात में चार का गुड़ा करेंगे अट्ठाईस बटा सत्रह प्लस आई टू बराबर दो अब सत्रह अट्ठाइस बटा सत्रह को क्या करेंगे पछहत्तर कर लेंगे तो आई टू बराबर दो माइनस अट्ठाइस बटा सत्रह सत्रह में दो का गुड़ा करेंगे तो आई टू बराबर क्या हो जाएगा आई टू बराबर हो जाएगा सत्रह दूनी चौंतीस माइनस अट्ठाईस बटा क्या हो जाएगा सत्रह अब जो है चौंतीस में से जब 28 को घटा देंगे तो क्या बचेगा तो यहाँ लिखेंगे आई टू बराबर हो गया 6 बटा सत्रह तो यहाँ जो मान निकला किसका मान निकल गया आई टू का मान भी निकल गया तो आई वन निकल गया आई टू निकल गया अगर I1, I2 का मान जो है समीकरण एक में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा I3 का मान निकल जाएगा तो यहाँ लिखेंगे I1 का मान I2 का, का मान लिखेंगे I1 वन का मा आई का मान समीकरण एक में रखने पर अब यहाँ समीकरण जो है एक में रख लेंगे समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या था तो समीकरण एक था क्या था समीकरण एक दो आई वन था और क्या था माइनस था आई टू था और क्या था आई थ्री था बराबर जीरो था यह समीकरण नंबर कौन सा है एक है अब इसमें मान रखेंगे दो गुड़े आई वन आई वन कितना था चार बटा सत्रह था आई टू कितना था बटा सत्रह था प्लस आई थ्री बराबर जीरो चार दुनिक क्या हो जाएगा आठ बटा सत्रह आठ बटा क्या हो गया सत्रह माइनस छः बटा सत्रह प्लस आई थ्री बराबर जीरो आठ में से छः को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दो बटा सत्रह दो बटा सत्रह प्लस आई थ्री बराबर जीरो अब दो बटा सत्रह को क्या कर लेंगे पछांतर कर लेंगे जब पछांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा अब यहाँ लिख सकते हैं आई थ्री बराबर हो जाएगा माइनस दो बटा सत्रह तो यह जो मान निकल गया किसका मान निकल गया आई थ्री का मान निकल गया तो समझ में आ गया होगा तीनों धारा का इसमें मान निकाला गया है थोड़ा सा यह जो है क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है बस समीकरण को हल करना सीखना है तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जो कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा